हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप ज़ीरोधा पर जो आपका ट्रेडिंग व्यू होता है ज़ीरोधा पर, उस पर आप ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर अगर कोई लगाते हो तो उसको सेव कैसे करके रख सकते हो। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली और अगर इसको मैं रिलोड करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन हमने डाली थी वो यहाँ पर हट चुकी है। वैसे ही अगर कोई इंडिकेटर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, ये इंडिकेटर हमने लगाया और इसको अगर मैं रिलोड करूं तो यहां पर हमारा इंडिकेटर भी हट जाता है। ठीक है, अब इसको हम बड़े स्क्रीन पर ले आते हैं। अब हमें यहां पर इंडिकेटर देखना है कि इंडिकेटर कैसे सेव होगा और यहां पर ट्रेंड लाइन कैसे सेव होगी, तो दोनों चीज़ें यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहां पर इंडिकेटर कैसे सेव करना है। तो यहां पर इंडिकेटर के साथ एक और चीज़ आप सेव करके रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे क्लिक करिए और यहाँ पर मान लीजिए आपको वन डे का चार्ट आपको रखना है कि आपका हमेशा वन डे का चार्ट ही ओपन हो। चाहे कोई भी स्टॉक आप ओपन करो या फिर रिलोड करो, चार्ट ऑटोमेटिकली वन डे के चार्ट पे चला जाए, वन डे के टाइम फ्रेम पे। और साथ ही अगर आप यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर RSI लगाया हमने और यहाँ पर RSI इस तरह से लगा दिया, उसकी कुछ सेटिंग्स आपको करनी थी, जैसे कि यहाँ पर कलर्स मुझे चेंज करना था तो मैंने कलर चेंज कर दिया इस तरह से, और इन लाइनों को भी हमने डाल दिया और थोड़ा डार्क कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन डाल दी और RSI हमने लगा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंडिकेटर हमारा सेव हो जाए और वन डे के चार्ट पे ही हमेशा चार्ट ओपन हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बीच में जहाँ पर टेम्पलेट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर या तो हम इसका टेम्पलेट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे, कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है, चाहे तो इस इंडिकेटर का नाम ही रख देते RSI, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि रवि डाल दिया और सेव कर देता हूँ। एक तो ये तरीका है। अब यहाँ पर हमने सेव कर दिया, इसको मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमारा वो सब हट चुका है। और यहाँ पर अगर टेम्पलेट पर क्लिक करूँ और यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा टेम्पलेट जो अभी हमने सेव किया था, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इंडिकेटर तो हमारा वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम हमारा फिर से 15 मिनट पर चला गया है, 15 मिनट पर ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसको अगर मुझे वन डे पर ही रखना हो, हमेशा वन डे पर ही ओपन हो चार्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और साथ ही इंडिकेटर भी हमारा ओपन हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर टेम्पलेट के आगे ये इस तरह से चेक मार्क लगा हुआ है, ये सेव एज अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पर लिख के आता है जब भी इस पर कर्सर ले जाते हो, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एक सेव हो जाएगा। ये टेम्पलेट सेव हो गया है। अब मैं इसको रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं रिलोड कर रहा हूँ तो चार्ट यहाँ पर इंडिकेटर नहीं हट रहा है और साथ ही चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम भी पे ही ओपन हो रहा है। यहाँ पर टाइम फ्रेम कुछ भी चेंज कर सकते थे आप, मान लीजिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद अगर मैं रिलोड करूँ तो देखिए चार्ट हमेशा हमारा 15 मिनट के ही चार्ट पे ओपन होगा। अब ये तो हो गया हमारा इंडिकेटर और टाइम फ्रेम, ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर और टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे आपको सेव करनी है। अब जैसे कि ये चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट पे मुझे कोई ट्रेंड लाइन डालनी है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हमने डाली, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। ये जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन डाली और ट्रेंड लाइन को एक नीचे भी डाल देते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमने डाली। अब मान लीजिए मैं इसको अगर रिलोड करूँगा तो ये ट्रेंड लाइन हट जाएंगी। अब इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे कि राइट साइड में यहाँ पर ट्रेंड लाइन सेव करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर देखिए सेव लिखा हुआ है, सेव, यहाँ पर इसके सेव के आगे यहाँ पर एरो बना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव का ऑप्शन फिर से आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लेआउट का नाम देंगे, यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपने हिसाब से, या फिर स्टॉक का ही नाम दे देते हैं, रिलायंस ही नाम दे देते हैं, और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए रिलायंस तो आ गया है लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं है, तो ट्रेंड लाइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है उसके आगे एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे, लोड चार्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर रिलायंस के नाम से यहाँ पर चार्ट का लेआउट सेव है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया हमारा चार्ट का लेआउट वही का वही वापस आ गया है, ठीक है, इस तरह से।
और अब अगर मैं फिर से यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन डालना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमने एक नया हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है। अब इसको सेव करना है तो बस यहाँ पर रिलायंस जो पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर बस क्लिक कर देना है और आपका टेम्पलेट यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर से रिलोड करते हैं हम, तो यहाँ पर जो भी हमने ट्रेंड लाइन डाली है वो यहाँ पर नहीं हटेंगी। यहाँ पर लोड चेआउट लेआउट पर क्लिक करेंगे, रिलायंस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर तीनों की तीनों ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ जाएंगी। उसी तरह से दूसरा, अगर कोई आपको यहाँ पर स्टॉक ओपन करना था तो यहाँ पर मान लीजिए कोई और स्टॉक ओपन कर लेते हैं, ITC ओपन करते हैं चलिए, और एक ट्रेंड लाइन नीचे डाल देते हैं। तो ये दो ट्रेंड लाइन डाल दी हमने, इसको सेव करना था, एरो पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, इसका भी बस ITC नाम दे देंगे और सेव कर देंगे। वापस से जब भी कभी आपको ओपन करना हो तो यहाँ पर आप सेव, यहाँ पर एरो बना होता है यहाँ पर क्लिक करिए, लोड चार्ट लेआउट पर क्लिक करिए और जितने भी स्टॉक यहाँ पर सेव करके रखोगे उनके नाम आ जाएंगे, जैसे कि ITC अभी हमने सेव किया था, इस पर क्लिक करते हैं, वापस से हमारा चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने डाल रखी थी वो आ जाएंगी। तो ज़ीरोधा पर ऑटो सेव ट्रेंड लाइन का ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर हमें मैनुअली यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सेव करना होता है और यहाँ पर वापस से यहाँ पर क्लिक करके लोड चार्ट लेआउट पर क्लिक करके हम अपने ट्रेंड लाइन को वापस ला सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।